मेरे चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर रेड कलर का बटन दिया हुआ है, इस तरीके से उसको दबाना है और बेल आ जाएगी, उसको भी क्लिक करना है ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियोज़ अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और 1 लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम शॉल से बनाने वाले हैं पोंचो। तो फ्रेंड्स, आज हम हाफ शॉल से ही, अगर आपके पास चौड़ी शॉल है तो आप सिर्फ हाफ शॉल से ही पोंचो डिज़ाइन कर सकते हो। तो आज मैं आपको आइडिया बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हमें पोंचो को हाफ शॉल से ही बनाना है, इस तरीके से। और दोनों पार्ट को हमें बराबर से रखना है दोनों साइड से। तो सबसे पहले हम शॉल को अच्छे से बराबर कर लेते हैं। दोनों साइड से हमें अच्छे से इसको बराबर करना है ताकि हमारी कटिंग टेढ़ी ना हो। और फिर हमें इसकी कटिंग कर लेना है। शॉल को हमें बीच से इस तरीके से कट कर लेना है। इस तरीके से हमें फिर बीच से कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने शॉल को हाफ कर लिया है और हाफ शॉल मैं निकाल लूंगी आधी, और आधी से हम पोंचो बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया है हाफ शॉल, और इस तरीके से अब ये हाफ शॉल की हमें इस तरीके से कटिंग करनी है ताकि हमारे झालर दोनों नीचे आए, ये देखिए ऐसे। और इसकी भी हम हाफ कटिंग कर लेंगे। इसको भी हम अच्छे से बराबर कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा टेढ़ा ना कटे। और फिर इसको भी हम हाफ कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, दोनों हमें एक साइज का कट करना है, कोई छोटा बड़ा नहीं कट करना है, हमें दोनों एक साइज का सेम कट करना है। और इस तरीके से हमारे दो पार्ट्स हो गए यहाँ पे हाफ शॉल से ही। और अब हम इस तरीके से हाफ पार्ट लेंगे। देखिए, मैंने झालर वाला पार्ट किस साइड रखा हुआ है, और इस तरीके से अब हमें दूसरा पार्ट ऐसे रखना है, और यहाँ से हमें स्टिचिंग करना है। दोनों मैंने झालर वाला पार्ट नीचे रखा हुआ है। और यहाँ से मैंने स्टिच कर लिया है इसको, और इस तरीके से अब नीचे वाला पार्ट हमें यहाँ से ज्वाइन करना है, और यहाँ से हमें इस तरीके से स्टिच करना है पूरा कॉर्नर तक, हमें इसको भी सिल लेना है। ये देखिए, ऐसे हम इसे भी कॉर्नर तक स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक। तो चलिए हम इसको भी स्टिच कर लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको भी अच्छे से सिल लिया है, और इस तरीके से हमारा नेट वाला पार्ट यहाँ पे ओपन है। यहाँ से हम नेक को इस तरीके से हाफ करेंगे तो ये हमारा नेक बन जाएगा। और अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा पोंचो बनकर रेडी है। डिज़ाइनर पोंचो बनकर रेडी है, और हमारे दोनों पार्ट्स के झालर नीचे की ओर आए हैं। और इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है।
मैंने ये हाफ शॉल से बनाया हुआ है। अगर आपके पास भी चौड़ी शॉल है तो आप इस तरीके से हाफ शॉल से ही पोंचो बना सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने दोनों झालर को आप देख सकते हैं नीचे की ओर आए हैं और अब मैं इसमें लेस ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने वाइट लेस ली हुई है तो मैं इसका यूज़ करूँगी। आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसके नेक पर लेस को लगाऊंगी। तो चलिए इसको भी हम जल्दी से स्टिच कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमें फोल्ड करना है, यहाँ से हाफ फोल्ड थोड़ा सा, और फिर यहाँ से हमें इसको स्टिच कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लेस लगा ली है और इस तरीके से बहुत ही प्यारा इसका लुक लग रहा है लेस का, ब्लैक एंड वाइट। और इस पर अब मैं लेस का ही फ्लावर बनाकर लगाऊंगी सुई धागे की मदद से। मैंने इसमें चुन डाल दिया है और यहाँ से इस तरीके से पकड़कर टाइट कर दिया है और ये मेरा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरीके से फ्लावर बनकर रेडी हो गया है और इसको भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी। फ्रेंड्स ये हमारा पोंचो बनकर रेडी हो गया है और ये आप हाफ शॉल से ही मैंने बनाकर आपको दिखाया है कि किस तरीके से आप, अगर आपके पास चौड़ी शॉल है तो किस तरीके से आप हाफ शॉल से ही कट करके पोंचो बना सकती हैं। और हाफ शॉल आप किसी भी यूज़ में ला सकती हैं, आप चाहे तो इसका श्रग बना सकती हैं या एक और इसी तरीके का पोंचो बना सकती हैं, उसको अलग से आप डिज़ाइन कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और इस तरीके के डिज़ाइनर पोंचो आप घर पर ही बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है और इसके झालर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आपके शॉल में झालर नहीं बना हुआ है तो आप उसको अलग से भी ऐड कर सकती हैं और अगर आप सिंपल भी रखना चाहती हैं तो आप सिंपल भी रख सकती हैं, तो भी आपका पोंचो बहुत ही डिज़ाइनर लुक देगा। और ये देखिए इतनी आसानी से हमने पोंचो को रेडी कर दिया। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली पोंचो बना सकती हैं। आप चाहे तो वुलन कपड़े का भी पोंचो इस तरीके से बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।